कई अवरोध और कई बाधाएं आई। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समय, बिना रुके, बिना डरे, बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। रेलवे का पूरा फोकस राजस्थान पर है। राजस्थान को आए दिन नई योजनाएं मिल रही है, तो अपर देश में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो चुकी है। रेलवे ट्रैक पर नई रेलवे लाइन डाली जा रही है, तो आई स्पीड ट्रेन के लिए इलेक्ट्रिक सहित अन्य जरूरी उपकरण भी रेलवे ट्रैक पर लगाए जा रहे हैं। अजमेर से दिल्ली के बीच प्रदेश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो गई, तो इसके बाद हाल ही में जोधपुर से साबरमती अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को शुरू किया। आगामी दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने, इसलिए रेलवे की तरफ से पूरा फोकस राजस्थान पर किया जा रहा है। सबसे ज्यादा रेलवे की सेवाएं राजस्थान को दी जा रही है। के लिए रेलवे की तरफ से रूट भी लगभग निर्धारित कर लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के संचालन के लिए रेलवे पर नई रेलवे लाइन डाली जा रही है। मकराना में सबलपुर रोड बोरावड स्थित बालाजी कॉलोनी में पानी बाव निकासी के अवरुद्ध प्राकृतिक रस्ते को खुलवाने व अव्यवस्था अवरुद्ध कर समस्या जन समस्या पैदा करने वाले तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ज्ञापन में बताया कि लगभग 100 परिवार कॉलोनी में निवास करते हैं। एक व्यक्ति विशेष अर्जुन डांगा व उनकी पत्नी कमला डांगा द्वारा कॉलोनी के पानी के प्राकृतिक बाव को दबंगई से रोक दिया। पर सीमेंट पत्थर से पक्का बड़ा ब्रेकर पर बनाकर पानी विकास को अवरुद्ध किया गया। कॉलोनी वासियों द्वारा उन्हें समझाइश करने पर लड़ाई झगड़े पर उतारू हो जाते हैं। डोबास पंचायत समिति में किए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान में महंगाई राहत शिविर में राजस्थान सरकार द्वारा दिए जा रहे लोगों का फायदा उठाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का तांता लगातार जारी है। राज्य सरकार की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, कामधेनु बीमा योजना सहित से योजनाओं के रजिस्ट्रेशन किए गए। टिमरी में आयोजित राजपूत समाज की बैठक में समाज सेवी एम सिंह सिंदल ने टिमरी में बालिका छात्रावास के लिए अपनी बेशकीमती जमीन राजपूत समाज को देने पर गुरुवार को शिक्षण संस्थान टिमरी के पदाधिकारी और समाज के युवाओं ने सम्मानित किया। मौके पर समुंदर सिंह सीजिल, राम सिंह मड़ियाई, नारायण सिंह बाटी, नरेंद्र सिंह बिड़ला आदि मौजूद रहे। छापरा में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में विंदेंदु मंडल राजस्थान स्टेट एलपीजी नलविश व दामन राजस्थान आदि गोदाम का निरीक्षण किया। भारत पेट्रोलियम के नए प्रोजेक्ट विस्तार के तहत ग्राहकों को अधिक सुविधा और समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने के लिए 5 नए महिंद्रा इलेक्ट्रिक टेम्पो को झंडा दिखाकर रवाना किया। महिंद्रा इलेक्ट्रिक का यह वाहन विद्युत आर्थिक भार के साथ साथ सभी सुविधा युक्त व कम खर्चे से अधिक उपयोगी साबित हो रहा है।
दुदावल के नजदीकी गांव निबेरा के पास एक बाइक सवार अज्ञात कारणों से गंभीर होते हुए हालात में युवक घायल मिला। जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। बताया गया कि वापस जाते समय पवन बाइक को शराब पीकर चला रहा था, बाइक किसी अज्ञात कारण से टकरा गई। सूरतगढ़ उपखंड कार्यालय व तहसील कार्यालय के गेट पर समिति पदाधिकारियों ने ताला लगाकर विरोध प्रकट किया। सूरतगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर 115 दिन से अनशन जारी। सूरतगढ़ की जनता का कहना है कि जिले के मापन पूरे करने के बावजूद भी सूरतगढ़ की अनदेखी की जा रही है। धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना इलाके के विष्णुगिरी मंदिर पर बीती रात सूर्य विवाहिता के साथ युवक के दुष्कर्म करने की कोशिश की। इसने मामला दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। पीड़िता ने पुलिस को दी गई तहरीर में आरोप लगाया कि उसकी पति लंबी बीमारी से ग्रसित है। जहां उसका पति बाबा के दर्शन कर पूजा अर्चना करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विष्णुगिरी धाम पर एक दो दिन रुकती है और फिर उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। तभी रामलखन नाम का एक युवक वहां रामलखन को पीड़ित जानती थी क्योंकि रामलखन उसके गुरुजी के पास आता जाता रहता था। पीड़ित की नींद खुल गई और वह जोर से चीखने चिल्लाने लगी। पीड़ित के चिल्लाने के बाद सुनकर उसके आसपास सो रहे लोग भी जाग गए। जयपुर विधानसभा सत्र एक बार फिर आज से शुरू। गहलोत सरकार का आखिरी सत्र हंगामेदार रहने के आसार। सात विपक्ष किसानों की कर्ज माफी, पेपर लीक, बेरोजगारी, जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार, योजना भवन मिली करोड़ों की नकदी सोने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। डैक दल की बैठक में आम जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती से उठाने की रणनीति बनी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि जो सत्र जनवरी में आउट हुआ था वो भी अभी सत्र शुरू हो रहा है। सरकार ने सत्र का सत्र पसंद नहीं किया, सिरे से सत्र नहीं बुलाया जिसके चलते विधायकों को सवाल पूछने का अधिकार नहीं मिला। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।